मित्रों नमस्कार, मैं आर्य टिमरे आज पुनः आपके समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास विषय के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों आज की जो हमारी विषय वस्तु है, हमारा जो प्रकरण है, वह है बाल विकास की अवस्थाएं, या हम ये कह सकते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। इस संदर्भ में आज मैं आप लोगों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा परंपरागत विचारधारा के अनुसार बाल विकास को या मानव विकास को कितने चरणों में बांटा गया है, इस संदर्भ में जानकारी दूंगा। तो आइए मित्रों हम देखें। सर्वप्रथम देखते हैं परंपरागत विचारधारा के अनुसार प्राचीन काल से जो परिपाटी चली आ रही है, हमारी विचारधारा चली आ रहे हैं, उस आधार पे हम मानव विकास को 7 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 गर्भावस्था। गर्भावस्था का जो होता है वो होता है गर्भाधान से जन्म तक, अर्थात शिशु माँ के गर्भ में जब आता है या उसका आविर्भाव होता है, उस समय से लेकर के जन्म तक के काल को हम गर्भावस्था का मानते हैं। इसके पश्चात नंबर 2 शैशवावस्था। जन्म के पश्चात शैशवावस्था का प्रारंभ होता है और इसका काल जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है। तीसरे क्रम पे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल 5 साल से या 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। इसके बाद बात करते हैं आगे, चौथी जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, और इस अवस्था का काल है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। पांचवी अवस्था है युवावस्था। युवावस्था का काल है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। और छठवा जो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का काल है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और मित्रों जो परंपरागत विचारधारा की अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था, इसका है 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक इसका काल माना जाता है। तो मित्रों ये परंपरागत विचारधारा के अनुसार ये मानव विकास की 7 अवस्थाएं हैं। बीच में देखेंगे आधुनिक विचारधारा अर्थात विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो दी गई जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो निम्नानुसार है। यहाँ देखेंगे क्रमशः हम वर्तमान में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार मानव विकास को या बाल विकास को अलग अलग चरणों में विभाजित किया है, अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रास महोदय के अनुसार, रास नामक जो विद्वान है उन्होंने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 शैशवावस्था, उन्होंने इसका काल बताया है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। दूसरा आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा है किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का काल है 18 वर्ष से ऊपर। तो मित्रों रास महोदय ने बाल विकास को, बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए मात्र 4 अवस्थाओं में बांटा, जबकि परंपरागत के अनुसार ये मानव विकास की अवस्थाओं को बताया गया है। फिर दूसरे क्रम पे देखें डॉक्टर जोस के अनुसार, डॉक्टर जोस ने जो बाल विकास है उसे 4 अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित किया है। यहां देखेंगे नंबर 1 शैशवावस्था। शैशवावस्था का काल उन्होंने बताया 0 से 5 वर्ष, जबकि रास महोदय ने 1 वर्ष से 5 वर्ष, यानी जन्म के पश्चात 1 वर्ष के बाद में 5 वर्ष तक का उन्होंने कहा है शैशवावस्था, जबकि डॉक्टर जोस ने क्या बोला है कि शैशवावस्था का काल 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 वर्ष से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 22 वर्ष से ऊपर। तो इस तरह डॉक्टर जोस ने बाल विकास को या बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। आगे हम तीसरे क्रम पे देखेंगे ईवी हरलाल, जो महान शिक्षा शास्त्री रहे हैं, बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनके अनुसार बाल विकास की नहीं अपितु मानव विकास की अवस्था को उन्होंने 11 अवस्थाओं में विभाजित किया है। हम 11 अवस्था, 11 जो अवस्थाएं उनका क्रमशः यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। देख लें कि गर्भावस्था पहली अवस्था है, गर्भावस्था अर्थात गर्भाधान से जन्म तक। जिस तरह परंपरागत विचारधारा में गर्भावस्था का काल था, उस तरह ईवी हरलाल ने भी
पहली अवस्था गर्भावस्था और इसका काल बताया गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था, शैशवावस्था का काल है जन्म से दो सप्ताह तक। शैशवावस्था का काल उन्होंने माना है जन्म से दो सप्ताह अर्थात 15 दिन। तीसरी अवस्था उत्तर शैशवावस्था, यह है तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था का काल माना है। चौथी अवस्था इमिहाता में बताया है पूर्व बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था का जो काल है वो है 3 से 6 वर्ष तक का। और पांचवी जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था का काल है 7 वर्ष से 12 वर्ष का। इसके पश्चात जो छठवा काल उन्होंने बताया है इमिहाता ने वो है वयः संधि काल। तो ये वाला काल है जो कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की कड़ी वाला काल है और इस काल को उन्होंने 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवधि का माना है। इसके बाद सातवें क्रम में आता है पूर्व किशोरावस्था, तो पूर्व किशोरावस्था का काल है 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक। और इसके बाद उत्तर किशोरावस्था का काल अर्थात ये प्रारंभिक किशोरावस्था हुई, फिर उत्तर किशोरावस्था बाद की जो किशोरावस्था है उसका काल है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। फिर नौवें क्रम में आता है प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था का काल है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। और इसके पश्चात प्रौढ़ावस्था के पश्चात मध्यावस्था और इसका काल है 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवधि का काल वाला है। और 11 क्रम पे इन्होंने इमिहाता में वृद्धावस्था को बताया है उसकी इसका जो काल है 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत का। तो मित्रों हमने देखे इमिहाता के अनुसार, फिर हम आगे देखते हैं एक महान विद्वान है कोल, तो कोल के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने मानव विकास को या बाल विकास को कितने चरणों में बांटा। आइए देखिए यहां देखिए विद्वान कोल ने जो मानव विकास की या बाल विकास की जो 12 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, तो 12 अवस्थाएं क्रमशः हम देखेंगे और उनका काल देखेंगे। यहां पर शैशवावस्था, शैशवावस्था का काल इन्होंने बताया है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल उन्होंने बताया 2 से 5 वर्ष। फिर मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था का काल उन्होंने बालक बालिका के लिए अलग अलग निर्धारित किया है, यानी कि बालक के लिए 6 से 12 वर्ष और बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष। तो ये मध्य बाल्यावस्था का काल बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग उन्होंने डिवाइड किया है। आगे देखेंगे यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर यानी बाद की बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, इन्होंने एक ही काल में दोनों बातों को समावेश कर दिया है कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था। इसका काल बालक के लिए अलग बालिका के लिए, तो बालक के लिए 13 से 14 वर्ष जबकि बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष। पांचवी अवस्था जो है वो है प्रारंभिक किशोरावस्था, और प्रारंभिक किशोरावस्था का जो काल है बालक के लिए 15 से 16 वर्ष और जबकि बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष। छठवीं अवस्था है मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था को भी बालक बालिकाओं के अलग अलग है, 17 से 18 वर्ष बालक, 15 से 17 वर्ष बालिका। इसके बाद उत्तर किशोरावस्था, तो उत्तर किशोरावस्था का काल जो है बालक के लिए 19 से 20 वर्ष और बालिका के लिए 18 से 20 वर्ष। तो इस तरह इन्होंने 7 अवस्था में बताया बालक बालिका के लिए अलग अलग। इसके पश्चात प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का काल उन्होंने बताया है दोनों के लिए बालक और बालिका अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए 21 से 24 वर्ष। नौवां है मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष और प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष और अंतिम जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था 12वें क्रम पे कोल महोदय ने उसके यहाँ बताया है 74 वर्ष से मृत्यु, यहाँ 75 वर्ष है, 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। तो इस तरह कोल नामक विद्वान ने अपने मानव विकास की अवस्थाओं को इन्होंने 12 अवस्थाओं में विभाजित किया है। मित्रों हम आगे देखते हैं विद्वान रूसो के अनुसार, तो रूसो ने मात्र बाल विकास को ध्यान में रखते हुए 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, क्योंकि उन्होंने बाल विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 3 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, इसका काल उन्होंने बताया 1
दूसरा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का मतलब 5 से 12 वर्ष तक, और तीसरा है किशोरावस्था, किशोरावस्था का लोगों ने 12 से 20 वर्ष तक बताया है। तो इस तरह विद्वान रूसो ने बाल अवस्था मतलब बाल विकास की 3 अवस्थाओं को उन्होंने बताया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है गैसल, गैसल महान विद्वान रहे, इन्होंने शैशवावस्था को विकास के दौर में सबसे प्रमुखता देते हुए इन्होंने शैशवावस्था के 4 चरण बताए हैं। इसको जो गैसल महोदय है शैशवावस्था को बाल विकास की मुख्य अवस्था मानते हैं और उन्होंने इसके 4 चरण इस तरह बताए हैं। देखिए शैशवावस्था के चरण, नंबर 1 प्रथम चरण के अंतर्गत जन्म से 4 माह की अवधि जो होती है, चार माह की अवधि, ये प्रथम चरण है शैशवावस्था का। द्वितीय चरण जो है शैशवावस्था का 4 माह से 8 माह, तृतीय चरण 8 माह से 12 माह, और शैशवावस्था का जो चतुर्थ चरण या चौथा जो चरण है वह है 12 से 18 माह। तो कुल मिला के शैशवावस्था का इन्होंने कितना माना है, 1 से 0 से 1.5 वर्ष की अवधि को इन्होंने शैशवावस्था का काल मानते हुए उसको 4 चरणों में विभाजित किया है। तो मित्रों ये विभिन्न विद्वानों द्वारा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं या मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं। इन्हीं विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष कर हम बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को का जो काल है वो 0 से 5 वर्ष। मित्रों एक बात ध्यान रखना है कि इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। शैशवावस्था के लिए है इन्फेंसी, स्पेलिंग है INFANCY इन्फेंसी, तो इसका काल जो है 0 से 5 वर्ष तक का। दूसरा काल है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का काल है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और इसको बाल्यावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्डहुड अर्थात CHILD चाइल्ड LOOD हुड। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो काल है वो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक, और किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस, और इसकी स्पेलिंग है ADOLESCENCE। और जो चौथी अवस्था है वह है प्रौढ़ावस्था, इसका काल है 22 वर्ष से ऊपर, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरिटी MATURITY। तो मित्रों हम इन्हीं को दृष्टिगत, बाल विकास को दृष्टिगत रखते हुए हम आधुनिक विचारधारा के अनुसार 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, और लगभग हम इन्हीं अवस्थाओं का बाल विकास में अध्ययन भी करते हैं। मित्रों हम आगे देखते हैं विकासात्मक कुछ अवधियां हैं बाल विकास के संदर्भ में, हम कुछ विकासात्मक अवधियां विकास की दृष्टि से कुछ अवधियां यहाँ पर विभाजित की गई हैं। हम यहाँ देख लेते हैं कुल 6 अवधियां हैं। नंबर 1 नवजात, इसके आज 0 से 1 माह अर्थात बालक जब जन्म लेता है और जन्म के पश्चात 1 माह तक की जो अवधि होती है नवजात की श्रेणी में उसे रखते हैं। दूसरा आता है शिशु, शिशु है 1 माह से 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसे हम शिशु की श्रेणी में रखते हैं। फिर नन्हा बच्चा जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि का नन्हा बच्चा होता है। चौथा है प्री स्कूली बच्चा या पूर्व विद्यालयीन बच्चा, 4 वर्ष से 6 वर्ष तक इसकी अवधि होती है जब वो प्रारंभ में शाला जाना प्रारंभ करता है। आगे आता है स्कूली बच्चा, इसकी अवधि 6 वर्ष से 13 वर्ष तक प्रायः विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत रहता है इस अवस्था में। और अंतिम जो है किशोर या किशोरी, जब बालक बड़ा हो जाता है तब उसकी अवधि 13 से 20 वर्ष अर्थात यह अवधि जो है किशोर या किशोरी की अवधि होती है। तो ये बाल विकास की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो मित्रों मैंने आप लोगों को अभी परंपरागत विचारधारा के अनुसार और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई या विभिन्न विद्वानों के मतानुसार विभाजित की गई बाल विकास की या मानव विकास की अवस्थाओं से मैंने आपको अवगत कराया। मित्रों इसके संदर्भ में निश्चित तौर से किसी भी शिक्षक चयन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो को देख और सुन करके लाभ हुआ होगा या ज्ञानवर्धक लगा होगा। मित्रों इसी तरह मैं बाल विकास के संदर्भ में और भी जो लेसन्स है आगे
वीडियो ग्रुप में आपके सामने लाते रहूंगा। मित्रों यदि आपको यह वीडियो 11 तक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना प्राप्त हो। मित्रों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं आगामी समय तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।